बहुत अच्छी थी मूवी। इसमें जो एक्टर्स हैं उनकी कैसी आपकी रोल, उनका स्टोरी लाइन कैसा लगा, रोल कैसा लगा? बहुत अच्छा रोल था जॉन इब्राहिम का। ओके, आउट ऑफ 5 हाउस? आउट ऑफ 5, 4। इट वॉज रियली गुड एंड दोनों का जो एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड द स्क्रीन प्रेजेंस, उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी अच्छा एंड दे वर रियली गुड, काफ़ी अच्छा। हाउ वाज द स्टोरी लाइन, हाउ वाज द डायलॉग एंड द स्टोरी? एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स ऑफ द होल इंसिडेंट्स एंड इट वॉज रियली गुड एंड संजय गुप्ता ने का जो डायरेक्शन एंड द राइटिंग ऑफ द राइटर इज रियली गुड एंड द मूवी इज ओवरऑल रियली गुड एंड इट्स एंटरटेनिंग। मुंबई सागा मूवी में ट्रेलर जैसा देखा था अपन लोग, मतलब सोचा नहीं था कि ये ऐसी मूवी निकलेगी, लेकिन जो मूवी का फर्स्ट हाफ है ना, मतलब कि संजय गुप्ता डायरेक्टर है और इनसे पहले एक मूवी आई थी शूट आउट वडाला, मतलब कि जॉन इब्राहिम से उन्होंने सेम टू सेम एक्टिंग करा दिया, मतलब कि आपको फर्स्ट हाफ में कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, नया देखने को यही मिलेगा कि इसमें महेश मांजरेकर हैं, उन्होंने के बहुत अच्छा काम किया है। इसमें सुनील शेट्टी अन्ना का रोल में, मतलब कि इनको डालने की जरूरत नहीं थी, सुनील शेट्टी को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जबरदस्ती में लिया गया। अन्ना का रोल किसी से भी करा सकते थे। गुलशन ग्रोवर उनको भी जरूरत नहीं थी। काजल अग्रवाल का काम ओके, लेकिन मतलब कि इमरान हाशमी की, जैसे इंटरवल से 2 मिनट पहले इमरान हाशमी की एंट्री होती है और वो एक डायलॉग बोलते हैं कि अमर्त्या राव को मारेगा, सवाल ये नहीं कि अमर्त्या को मारेगा, सवाल ये कि 10 करोड़ का मैं करूँगा क्या, मतलब कि वहाँ से मूवी पिकअप पकड़ती है और सेकेंड हाफ मूवी पूरा बवाल है। अब इसका क्रेडिट जाता है इमरान हाशमी को। स्टोरी लाइन इज़ वेरी गुड, स्क्रीन पे रॉबिन भटका है जो 90s में पता है हमें बाजीगर वगैरह ये मूवीज, तो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, आप बहुत एंटरटेन होंगे, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट ऑल थ्रू द मूवी, बहुत ही थ्रिलिंग है और एक्शन जो आनो की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज आई हैव सीन। इसमें देखिए 5 में मेरे हिसाब से आज के माहौल में 4 स्टार बनते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में कोई आते नहीं है और आज पहले दिन सुबह 9 बजे 25-30 टिकट कटी, मतलब बहुत बड़ी बात है।